इलम ताकत है लेकिन किरदार इलम से ज़्यादा ताकतवर है। मुस्तकबिल की पेशनगोई करने का बेहतरीन तरीका उसे तख्लीक करना है। ये बिल्कुल यकीनी है कि खुदा मौजूद है। आपके माजी से हाल उभरता है और हाल से आपका मुस्तकबिल जन्म लेता है। ज़िंदगी एक जद्दोजहद है और इस्तेहक़ का मामला नहीं है। ये दुनियावी और रूहानी दुनिया के बारे में किसी के इल्म के सिवाय कुछ नहीं है। अगर कोई बहादुर की ज़िंदगी नहीं जी सकता तो बहादुरों की तरह मरना बेहतर है। शबनम के कतरे से एक समंदर बनाए, चांद से रोशनी ना मांगो, अपने अंदर की चिंगारी से हासिल करो। बेहतरीन अभी आना बाकी है, इसीलिए उम्मीद कभी ना छोड़ें। अपनी कदर कीमत से आगाह रहे, उसे हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल करें। इंसान तब गम का सामना करता है जब वो हर चीज़ के सामने आंखें बंद कर लेता है। हर वो चीज़ जिससे वो भागता है, हर वो चीज़ जिससे वो इनकार करता है, उसका मुकाबला करे, तब आप ज़िंदगी में गमों से बच सकते हैं। गुनाहगार की आजजी इबादत गुजार के गुस्से से बेहतर है। इलम की जुस्तजो जिस रंग में भी की जाए इबादत की ही एक शक्ल है। जो शख्स अपनी अजमत के गीत गाए वो कभी अजीम नहीं हो सकता। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि नेक अमाल कभी ज़ाया नहीं होता। ग़ुलामी बहुत बड़ी लानत है। ग़ुलामी ज़बान से वो कुछ कहलवा सकती है जो इंसान नहीं कहना चाहता। वो बंदा दौलत, इज़्ज़त और सेहत की ख्वाहिश छोड़ दे जो बखील है और हमेशा अपने हक से ज़्यादा का उम्मीदवार है। दौलत का मुस्तहिक सिर्फ सखी इंसान है।